No. Yes. Yes, Javi, good evening. Yes. लाइक एंड शेयर कर दो वीडियो नू सारे, आवाज़ वगैरह सही आ रही है? थोड़ा जिहा रिप्लाई करो. यस, जिहड़े बच्चे क्लास देख रहे हैं थोड़ा रिप्लाई करो. अज आपां स्टार्ट कर रहे हैं जी पहली क्लास, तो उस तो बाद यस आवाज़ दस दो. यस हाँ भाई, शहबाज ब्राड वेरी गुड. यस लाइक एंड शेयर कर दो, आवाज़ आ रही ना सही? यस गुड इवनिंग भाई. यस सुनीता राणी गुड इवनिंग. यस यस फर्स्ट क्लास रजत गर्ग, फर्स्ट क्लास है भाई. चलो आज आप स्टार्ट कर रहे हैं. यस हाँ, ये तो सारा कोर्स कराऊंगा भाई, कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स करांगे अपन. टेंशन फ्री रहो. आ लो सर चाह पियो, तो चाह तुम पता ही है, चाह मैं पी लेना पहले. तो चाह के नाल नाल ही आप क्लास स्टार्ट करांगे. इस तो बाद एस एस टी की भी क्लास है. यस भाई चलो भाई आप स्टार्ट कर रहे हैं. देखो आप डिवेलपमेंट वाले टॉपिक स्टार्ट करांगे. केड़ा टॉपिक लवेंगे आप? टॉपिक डिवेलपमेंट. यस चाइल्ड डिवेलपमेंट, चाइल्ड डिवेलपमेंट. ये ना पहले देखो गल सुनो हूँ आप करांगे. यस सारे ताड़ी मार दो. वेरी गुड भाई. पहले आप करते हैं, पहले ना आप करांगे तीन टॉपिक, मैं तुम दस रहा. नंबर वन, नंबर टू ते नंबर थ्री, तीन टॉपिक करवाऊंगा, फिर इन्हें एम सी क्यूज करांगे. टॉपिक लिख लो, पहला टॉपिक हो जाऊगा अपना जीन प्याजे भाई, जीन प्याजे लिख लो, जीन प्याजे. दूसरा टॉपिक हो जाऊगा वाइग्योस्की. तीसरा टॉपिक हो जाऊगा अपना कोहलबर्ग. ये तीन टॉपिक आप करने तो बाद आप इन्हें एम सी क्यूज करांगे. एम सी क्यूज. यस वेरी गुड भाई. ये तीन टॉपिक तो बाद नाल दी नाल ही आप इन्हें एम सी क्यूज करांगे. ये क्लास तुहाडी फस्ट है, क्लास लगातार लाते रहो. अज थोड़ा जिहा ट्रायल है, इस करके हो सकता थोड़ा बहुत गलतियां गलतियां हो जाए, मतलब थोड़ा जिहा टैक्नीकल भी इशूज आ सकते हैं. बाकी आप कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है भाई? ओके करते हैं स्टार्ट भाई. चलो हुण आपां पहला टॉपिक देखो, चाइल्ड डिवेलपमेंट का स्टार्ट करना. पहला तुहानूं पता ही है किसी कोई. यस हलो भाई रमनदीप, हलो. चलो हुण आपां कर रहे हैं स्टार्ट. ओके तो देख लो हुण आपां पढ़ रहे हैं भी राजे जीन प्याजे. जीन प्याजे की गल करांगे, एग्जाम के हिसाब न बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है जीन प्याजे का भाई. जीन प्याजे बारे डिस्कस कर रहे हैं. यस लाइक एंड शेयर कर दो भी नाल दी नाल. जीन प्याजे दे देख लो आप पढ़ना किवें, जीन प्याजे नू पढ़न दा टॉपिक देख लो किहड़े किहड़े टॉपिक है. पहला सब तो पहला आप की पढ़ांगे, स्कीमाज पढ़ांगे. यस स्कीमाज. स्कीमाज ए तो बाद आप करांगे. दूसरा पॉइंट आ जाऊगा अपना प्रोसेस. तीसरा पॉइंट की आजूगा स्टेजेज. नाल नाल तुसी करते रहो, फिर एम सी क्यूज भी करांगे. जीन प्याजे पहला टॉपिक स्कीमाज प्रोसेस ते स्टेजेज. देख रहे नोट करन दी गल नहीं हैगी. यस 440 क्वेश्चन 4 बजे देखते हैं कल क्लास का टाइमिंग टूइंग मैं तुम्हें पा दिया करूँगा, ठीक है? तो कट लो हुण पल कर रहे हैं. पहले स्कीमाज प्रोसेस देख लियो. प्रोसेस थोड़ा जिहा डिटेल तुहानूं जे जरूरत होए तो मैं डिटेल दस दूंगा. पहला पॉइंट आजूगा इहदा असैमीलेशन. असैमीलेशन आजूगा. दूसरा पॉइंट आजूगा इक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन आजूगा दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट आजूगा अपना न्यू सिचुएशन. न्यू सिचुएशन. न्यू सिचुएशन. न्यू सिचुएशन आ गई तो फिर की होजूगा? डिस इक्विलिब्रेशन हो जूगा. डिस इक्विलिब्रेशन. तो टेंशन किसी ने नहीं लैनी, पी स्टेट कुछ भी नहीं गा. पी स्टेट ऐ सकिंटा च पास होना, ठीक है? बाकी क्लास का टाइम तुम्हें सारा दस ही दूंगा. तो लाइक एंड शेयर कर दो.
इक्विलिब्रेशन तो बाद आपां किहड़ी गल करदे हां, भी इक्विलिब्रेशन तो बाद आपां करांगे इत्थे क्वेश्चन पा दिओ, तुसीं क्वेश्चन मार्क पा दिओ, तो इस तो बाद आपां अकोमोडेशन करांगे। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन यानी कि यह की होजूगा, यह प्रोसैस देखो, आप जीन प्याजे पढ़िया, जीन प्याजे आप पढ़िया कंस्ट्रक्टिविजम, यह जीन प्याजे की प्रोसैस की है, इनू बोलेंगे जीन प्याजे की कंस्ट्रक्टिविजम की प्रोसैस है, कंस्ट्रक्टिविजम की प्रोसैस कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविजम जी जीन प्याजे की कंस्ट्रक्टिविजम है वो आही प्रोसैस है भाई, ठीक है, समझ आ रही है। फिर आप नैक्सट पॉइंट पर की करांगे, जीन प्याजे की स्टेजिज तुम्हें पता ही है, जीन प्याजे स्टेजिज जी है वो चार स्टेजिज है, वो बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, मैं हुणे आप डिस्कस करते हैं, एक बार तुसीं पॉइंट कर लो, जीन प्याजे का पहला पॉइंट इतों स्टार्ट होगा, इतों लैके तो आप चलेंगे नाल नाल एम सी क्यूज भी करा सारे, ठीक है, देख लो फिर हम नैक्सट पॉइंट। हूँ पहला की होजूगा स्कीमाज, पहला ये देख लो, यस स्टेजिज थोड़ी होर लिख लो, स्टेजिज की गल करा तो स्टेजिज है अपनी चार स्टेजिज है, पहली दूसरी तीसरी ते चौथी, चार स्टेजिज, पहली स्टेज आ जाऊगी उन्होंने आप बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज हो जूगी, पहला स्टेज का नाम आ जूगा, ये हो जूगी जीरो तो लैके दो साल तक। दूसरी स्टेज कहोंगे आप परी ऑपरेशनल स्टेज, परी ऑपरेशनल स्टेज, परी ऑपरेशनल जी स्टेज है यदि एज हो जूगी अपनी दो तो लैके सत साल तक, नाल रिपीट करते रहो, क्वेश्चन भी करांगे आप। फिर नैक्सट तीसरी स्टेज आ जूगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज आ जूगी सत तो लैके ग्यारह साल तक। नैक्सट आ जूगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल तो लैके 15 साल तक, ठीक है। तो जीन प्याजे पहला सब तो पहला आप देखिए, यस भाई यस, अच्छा सब तो पहला की टॉपिक आप देखे, सब तो पहला देखा जीन प्याजे गल करता स्कीमास की, दूसरी की करा प्रोसैस आजूगा, तीसरा देखो एक मिनट दोबारा देख लियो, जो नवे बच्चे है जीन प्याजे सब तो पहला स्कीमास की गल करा, स्कीमास, स्कीमास तो बाद प्रोसैस होजूगा, उस तो बाद स्टेजिज मैं तुम्हें अगे कराता। हुण आप पढ़ा स्कीमाज, सब तो पहले बच्चे के दिमाग से स्कीमाज बनने स्टार्ट होणगे, स्कीमाज किहड़े होणगे, स्कीमाज होगा कि स्कीमाज होगा कि जिवें छोटा बच्चा है, तुसीं छोटे बच्चे नूं की है स्कीमाज बणनगे कदों, तुसीं सब तो पहले एज लिख लो, 8 मंथ तो बाद, 8 मंथ तो बाद बच्चे के दिमाग से स्कीमाज बनने स्टार्ट हो जाएंगे, 8 मंथ तो बाद बच्चे के दिमाग से स्कीमाज बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो देखो एक अगे गल कर रहे स्कीमाज होगा कि कोई छोटा जवाक है, मान लो 8 महीने का जवाक है, 8 महीने का जवाक गोलू पोलू का जवाक होगा, उन्होंने तुम्हें की किया कोई खाने वास्ते चीज़ देती, 8 महीने का वैसे तो एप्पल कुछ खाने लग जूगा, एप्पल उन्होंने खाने वास्ते दिता, एप्पल उन्हें खाया, जवाक ने देखा भी यार एप्पल तो बहुत वधिया, तो नाल आप की बोलता, नाल बोलता भी इस एप्पल, तो बच्चे दिमाग से एप्पल की फोटो बन जूगी, एप्पल बारे पता लग जूगा, एप्पल की फोटो बन जूगी, एप्पल बारे पता लग जूगा, यह की होजूगा बच्चे के दिमाग से एप्पल का स्कीमा बन गया। जो आप पहली बार किसी चीज़ बारे नॉलेज गेन करते हैं उन्होंने बोलेंगे स्कीमाज। मैं तुम्हें काफ़ी सारिया चीज़ा जिहड़ियां दसदा नवी नवी दसदा नवी दिमाग से चीज़ा जो समझ आ जाती है, यद मतलब की होगा तुहाडे दिमाग से उहदा स्कीमाज बन गया, स्कीमाज यानी कि स्कीमाज की होगा जो आप पहली बार किसी चीज़ बारे नॉलेज गेन करते हैं उदों साडे दिमाग च की है स्कीमाज बन जाते भी, ठीक है। दूसरा की होजूगा हुण स्कीमाज फिर साडे मतलब 8 महीने तो बाद टिल डैथ यानी कि मरण तक यानी कि स्कीमाज बनने की नॉलेज गेन करने की प्रोसैस एक कंटीन्यूअस प्रोसैस होगी, ये जी प्रोसैस है लगातार चलती रहेगी, एक स्कीमाज बन गया उसका मोडिफिकेशन हो जूगा, दूसरा स्कीमा बन गया फिर उसका मोडिफिकेशन हो जूगा, तीसरा स्कीमा बन जूगा फिर उसका मोडिफिकेशन हो जूगा, ये जो मोडिफिकेशन है यदा स्कीमाज का मोडिफिकेशन होता रहेगा, कदों तक होता रहेगा मरण तक स्कीमाज का मोडिफिकेशन होता रहेगा, तो एवं भी नवी तो नवी नॉलेज गेन करते रहेंगे। हुण आ जूगा कि स्कीमाज का मोडिफिकेशन होगा किवें, भी स्कीमाज का मोडिफिकेशन होगा, स्कीमाज का मोडिफिकेशन किवें होगा, जीन प्याजे कह रहे हैं कि स्कीमाज का मोडिफिकेशन किवें होगा, फिजिकल इनवायरमेंट के नाल इंट्रैक्शन करेगा बच्चा, जिन्ना ज़्यादा फिजिकल इनवायरमेंट नाल इंट्रैक्शन करेगा उन्ना ज़्यादा ही बच्चे के दिमाग से की है स्कीमाज का मोडिफिकेशन होगा, स्कीमाज के मोडिफिकेशन ही आप कहेंगे कॉग्निटिव डिवेलपमेंट कह देंगे। हुण आ गई गल कि जिहड़ा अपना, ठीक है भी समझ आ रही है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी, यस यस। दर्शना देवी, संदीप तिवाणा, सुनीता राणी,
स्कीमा समझ आ गया भी मनप्रीत मनवीर कौर। ओके राजे हुण अगे गल कर रहे हैं आपां स्कीमा समझ आ गया। स्कीमाज बारे ये ना MCQs भी करांगे, पहले मैं टॉपिक थ्योरीज करवा दूँ, कल ना मैं MCQs करवाऊंगा। ये तो वैसे ट्रायल वास्ते क्लास लगाई है, तो कल आप MCQs करांगे नाल नाल, इहदे पहले टॉपिक कर लिया फिर MCQs कर लिया, क्लास लगातार ही चलूगी। तो आप गल कर रहे हैं, चाह पी लां एक बारी फिर आप डिस्कस करते हैं। स्कीमाज लग गया, तुहानूं पता स्कीमाज का मोडिफिकेशन किवें होगा फिजिकल एनवायरमेंट का इंटरैक्शन करन नाल, फिर की होगा नैक्सट। हुण गल आ गई कि बच्चा फिजिकल एनवायरमेंट नाल इंटरैक्शन करूगा किवें, तो इत्थे जीन प्याजे की कह रहे हैं, जीन प्याजे कह रहे हैं कि बच्चे का की एक एज का क्राइटेरिया है। आपां देखो जिवें की डिस्कस करी है, एज एज दसी है ना कि 0 to 2 years तक सेंसरी मोटर स्टेज च बच्चे का स्कीमाज की होगा, बच्चा किनिया चीज़ा किन्नी क्वेश्चन करेगा, चीज़ों को देख के क्वेश्चन करेगा। जिवें सपोज छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे ने आ देखा, ये हजे मेरा बेटा हुणे छोटा है, वो आया उन्हें आके देखा पापा ये मार्कर मार्कर कह रहा है, उन्होंने पेन कह रहा है, ये कहूगा कि ये पेन जिहड़ा है वो मैनू दो मैं लिखण वास्ते मैं लिखूंगा, ये इहनू बोर्ड कह रहा है। तो बच्चे की लग गया कि बच्चे के दिमाग च की है, बच्चे ने इहनू देख के क्वेश्चन करिया। हुण 2 years का बच्चा 4 years का बच्चा तो क्वेश्चन कर सकता, बट 1 year का बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा। तो क्वेश्चन करन दी की होगी एक उम्र होगी, जिवें जिवें चीज़ों देखूगा बच्चा क्वेश्चन करेगा, जिवें जिवें क्वेश्चन करेगा वो क्वेश्चन का आंसर मिलता रहेगा, तो वह की है बच्चे के दिमाग का विकास होता रहेगा। तो पॉइंट नोट कर लियो कि पॉइंट हो जूगा बच्चे के दिमाग का विकास किवें होगा, फिजिकल इनवायरमेंट नाल इंट्रैक्शन करन नाल बच्चे के दिमाग का विकास होगा। फिजिकल इनवायरमेंट के नाल जो इंट्रैक्शन है वह बच्चा किवें करेगा, एज के अकॉर्डिंग करेगा, एज के अकॉर्डिंग, एज जिहड़ी है वह की है, एज की करेगी, एज बच्चे की दिखा रही है, एज क्राइटेरिया दस रही है फिजिकल एनवायरमेंट नाल इंट्रैक्शन करन दा। ते जीन प्याजे दी थ्योरी विच की है एज का अहम रोल है, वाइग्योस्की थ्योरी एज का कोई रोल नहीं है। वाइग्योस्की थ्योरी की है बच्चा किहदे नाल इंट्रैक्शन करेगा, सोशल एनवायरमेंट नाल इंट्रैक्शन करेगा, ठीक है। ओके राजे संदीप कौर समझ आ रही है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी भी। स्कीमाज लग गया पता, स्कीमाज तो बाद आपां की करांगे, मोडिफिकेशन होगा स्कीमाज का, स्कीमाज का मोडिफिकेशन किवें होगा, स्कीमाज का मोडिफिकेशन स्टार्ट किवें होजूगा। 8 months तो स्कीमाज बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जदों तक आप जिंदे रहोंगे उदों तक स्कीमाज का मोडिफिकेशन होंदा रहेगा। स्कीमाज का मोडिफिकेशन होने की जिहड़ी प्रोसैस है वो ए प्रोसैस होगी, पहले आप असैमिलेशन करांगे। हुण नवें पेज पर जा रहे हैं, आप पॉइंट लिख लो तुसी असैमिलेशन, असैमिलेशन कल मैं तुहानूं थोड़ा जिहा ना फास्ट करवाऊँगा, अज थोड़ा जिहा सारा सिस्टम नवां है तो इस करके मैं थोड़ा जिहा स्लो चल रहा। असैमिलेशन करांगे, हुण असैमिलेशन वाली प्रोसैस देख लो, छोटे बच्चे ने की है एप्पल देखा, एप्पल का बच्चे नूं पता है, आपां की सिखाता बच्चे नूं, आ छोटा जवाक है चिंटू मिंटू पिंटू, ये चिंटू है, चिंटू नूं एप्पल खवाया, आपां कहता एप्पल, जवाक ने की है दिमाग दे, इहदे दिमाग दे विच की है एप्पल की फोटो बन गई, ये एप्पल की फोटो बन गई, एप्पल के फीचर्स इहदे दिमाग च आ गए, यानी कि उहदे दिमाग च की है एप्पल का स्कीमा बन गया, एप्पल का की बन गया स्कीमाज, एप्पल का स्कीमाज बन गया। हुण देखो गल सुनो, एप्पल का पता है, हुण एप्पल वाले बच्चे नूं एप्पल का जिहनूं पता है ये सामने तुसीं इहनूं ओरेंज लिया के दे दो, इहनूं तुसीं की लिया दो ओरेंज लिया के दोगे, ओरेंज नूं देखदे ही की कहूगा एप्पल कहूगा, एप्पल बिना सोचे समझे नूं एप्पल कहूगा, ये की हो जूगा असैमिलेशन कर रहा है। हुणे मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, हुणे क्लास जिहड़ी लगी सीगी उहदे च मैं तुहानूं दस्सिया सीगा बई आपां असैमिलेशन की कर रहे हैं, जिवें की होया एक हुणे ओह कहानी आपां दस्सी सीगी कि मैं कटिंग कराउण गया सीगा, तो उत्थे एक छोटा बच्चा आया अपने फादर नाल, तो एक सोहणी जी कुड़ी की फोटो लगी, वो फोटो देखदे ही उन्हें कहा पापा मम्मी, वो भी असैमिलेशन है राजे, उन्होंने असैमिलेशन कहवांगे। समझ आ गई गल भी असैमिलेशन की होगा, असैमिलेशन होगा प्रीवियस नॉलेज के बेस पर, पुरानी नॉलेज के बेस पर तुसी बिना सोचे समझे नवी सिचुएशन जो डिफाइन कर देंगे हो, उन्होंने आप असैमिलेशन कहोंगे। जवाक इन देखते ही कहूगा पेन कहूगा या पेंसिल कहूगा, असैमिलेशन कर रहा है। जवाक ने ओरेंज नूं देखते एप्पल क्या, असैमिलेशन कर रहा है। जवाक ने किसी की फोटो में देख के क्या पापा मम्मी, वह भी असैमिलेशन कर रहा है। असैमिलेशन वाली गल समझ आ गई भी, वट इज़ असैमिलेशन, प्रीवियस नॉलेज के बेस पर आप नवी चीज़ को डिफाइन कर देंगे, वह हो जूगा असैमिलेशन। यस और नो, भाई गल क्लीयर है? हाँ, फिर दूसरा आ जूगा असैमिलेशन तो बाद, असैमिलेशन तो बाद की जो गल करांगे तो वह हो जूगा अपना इक्वलीबरेशन, इक्वलीबरेशन
वॉट इज इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन की होगा बे, इक्विलिब्रेशन होगा अपना जिहड़ा दिमाग है ना, आपां तुसीं इत्थे कोई बच्चा बना लैंदे आ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚਾਊਮੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੀ ਆ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਪਲ ਹੈ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਪਲ ਦਾ ਸਕੀਮਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੇਖਿਆ, ਐਪਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੈਮੀ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ? ਯੈਸ ਬਈ, ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਯੈਸ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਬਈ। ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਂਤਰਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਆਂਤਰਿਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਸ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ? ਡਿਸ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਡਿਸ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਗੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦਾ ਸਕੀਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਔਰੇਂਜ ਆਇਆ। ਔਰੇਂਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਪਲ ਕਹਿਤਾ, ਐਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੈਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਅਸੈਮੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਜਸਟ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਮੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ, ਅਤੇ ਅਸੈਮੀਲੇਸ਼ਨ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਐਪਲ ਹੋਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਔਰੇਂਜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਔਰੇਂਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਪਲ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੈਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਪਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਜੂਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਮੀ ਦੱਸ ਦੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਔਰੇਂਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਦੱਸ ਦੂਗੀ, ਮੰਮੀ ਕਹੇ ਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਜੇ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੈਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ ਬਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਜੂਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਜੂਗਾ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਜੂਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ? ਯੈਸ, ਹਾਂ ਬਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੀ ਸਟੈਟ ਪੱਕਾ ਪਾਸ। ਪੀ ਸਟੈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੈਮੀਲੇਸ਼ਨ ਬਈ, ਅਸੈਮੀਲੇਸ਼ਨ ਰਾਜੇ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਜੂਗਾ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਜੂਗਾ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਫਿਜੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਯੈਸ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਬਈ?
लाइक एंड शेयर कर दो भी। यस हाँ, एसएसटी करवाऊंगा विरक, एसएसटी भी क्लास होगी, हुणे ही मैं करदा गल, एसएसटी दी भी क्लास होगी। एकोमोडेशन मोडीफाई करना होगा नवी सिचुएशन दे अकॉर्डिंग, अपने दिमाग नूं एडजस्ट करना। देखो सपोज छोटा जवाक है, छोटे जवाक नूं आ देखिया, देखदे हां की कहूगा, मोबाइल है, पहले उन्हें मोबाइल कहूगा, फिर आपां दस्सांगे उन्हें मोबाइल, जदों बच्चा इन्हें मोबाइल कह रहा है, सिमुलेशन कर रहा है, फिर जो आप दसांगे वो दिमाग से उदो जाऊगा भी मोबाइल तो अड चीज़ है, दिमाग के अंदर वाली चीज़ तो बाहर वाली चीज़ दोनों मैच करूगा, इक्विलिब्रेशन होजूगा। फिर आप दस्या भी मोबाइल नहीं है, इन्हों रिमोट कहते हैं, तो बच्चा अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नवी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूगा, यानी कि मोडिफिकेशन ऑफ द स्कीमाज, मोडिफिकेशन ऑफ द स्कीमाज कॉल्ड की होजूगा अकोमोडेशन। ये पूरी प्रोसैस अडेप्टेन की होजूगी, पूरी प्रोसैस कंसट्रक्टिविजम की होजूगी। यस बई, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, मनप्रीत बावा। यस, मोडीफाई करना। फिर नैक्सट पॉइंट की करा भी, नैक्सट पॉइंट आजूगा अपना जो जीन प्याजे है ना, देख लो एक मिनट, जीन प्याजे की जी थ्योरी है हमने आप डिस्कस कर लाँगे। जीन प्याजे अपनी थ्योरी चार स्टेजा की गल कर रहा है, ये स्टेजा में ना कुछ वर्ड्स यूज कर रहा है, वो पहले मैं थोड़ा ना वर्ड्स लिखा देना, एक स्वैड्स लिख लो तुम, ऑब्जेक्ट परमानेंस, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। दूसरा की वर्ड लिखांगे, दूसरा वर्ड लिख लो तुम सीमेंटिक फंक्शन, सीमेंटिक फंक्शन, सीमेंटिक फंक्शन लिख लांगे। तीसरा वर्ड की लिख लांगे, एनिमिज्म, एनिमिज्म। फिर नेक्स्ट वर्ड की लिखांगे, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट पंजवा वर्ड लिख लो जी, ओए ना, नेक्स्ट वर्ड लिख लो जी, सेंट्रेशन, सेंट्रेशन, सेंट्रेशन। ये वर्ड लिख लो, ये वर्ड मैं दसूंगा केड़ी केड़ी स्टेज च है, ठीक है भी। यस, रजत गर्ग, इंग्लिश पंजाबी मैथ साइंस बिल्कुल सारी होगी भी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी, इंग्लिश पंजाबी मैथ साइंस सारा कुछ होगा, टेंशन फ्री रहो तुम। असैमिलेशन की होगा, लविशा गोयल, लविशा गोयल जवाक ने की देखा, जवाक ने देखा जवाक की मम्मी वर्गा किसी ने सूट पा रखा सीगा, वो जवाक ने देखा वो मम्मी जाती, वो जवाक भज के वो कोई मान लो गली च कोई जनानी जा रही है जिन्हें जवाक की मम्मी वर्गा सूट पा रखे, जवाक की उम्र ला लाँगे आप, 3 साल का है जवाक, 3 साल का जोड़ा बच्चा है उन्हें देखा कि वो मम्मी वर्गा किसी ने सूट पा रखे, 3 साल का बच्चा देखूगा वो पिछों जा रही सी, है ना, गुस्सा ना करी भी तेन पिछों आवाज मारी है, तो वह जा रही सी अगे जा रही सी, जवाक ने पिछों आवाज मार ली मम्मी, हुण सूट देख के जवाक ने की किया भी मम्मी होगी, ये की करता असैमिलेशन करता। फिर उन्हें जिहड़ी जनानी जा रही सी उन्हें झाकिया पिछे नूं झाकिया, तो झाकदे ही देखिया जवाक ने भी तो मम्मी तो नहीं हैगी, मम्मी तो होर तरह की दिखती है। फिर वह दिमाग दे विच उहदे दिमाग च मम्मी की फोटो सीगी, वो जनानी की फोटो अड सीगी, तो की हो गया वो दिमाग के अंदर वाली फोटो तो बाहर वाली चीज़ को मैच कर रहा है, बाहर वाली जनानी तो अंदर वाली जनानी, अंदर वो मम्मी की फोटो है तो बाहर फोटो की है, बाहर कोई होर जनानी है, उन्हें गलती नाल कहता वो असैमिलेशन करता, तो बाद च की है दिमाग वा अंदर तो बाहर वाली चीज़ों मैच कर रहा है, इक्विलिब्रेशन हो जूगा। फिर वो की है उन्होंने पता लग जूगा ये होर जनानी है, पड़ोस वाली आंटी है, मम्मी इन्हें मम्मी आ जाती, मम्मी आके दसदी है भी ये रजे ये पड़ोस वाली आंटी है, जवाक को पता लग जूगा हाँ ये पड़ोस वाली आंटी है, वो अकोमोडेशन हो जूगा नवी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को, है ना, जवाक के पापा खुश हो गए। यस ठीक है, तो की होगा वेरी गुड बी कंबोज, तो देख लो हूँ पहले पॉइंट्स लिख लो, ऑब्जेक्ट परमानेंस की होगा, सीमेंटिक फंक्शन की होगा, एनिमिज्म की होगा, ईगोसेंट्रिक की होगा, सेंट्रेशन की होगा, ये हमने आप पढ़ते हैं। नैक्सट आप नैक्सट पेज पर जा रहे हैं, होर पढ़ लो तुम, ये एक वर्ड लिख लो तुम कंजरवेशन, कंजरवेशन वर्ड जिहड़ा है मैथ साइंस वाले बच्चे, जिहड़े बच्चे मैथ साइंस वाले है मैथ च वर्ड आऊगा, जिहड़े बच्चे ETT फर्स्ट वाले है जिन्हों का मैथ मैथ के ये क्वेश्चन पूछे जा सकते कंजरवेशन के, हुणे मैं दसदा कंजरवेशन की होगा, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट नू लेके चल रहे हैं भी, एक पॉइंट देख लो तुसी, पहला पॉइंट अपना आजूगा की बोलांगे ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा कि उन्हें वस्तु स्थायीता बोलते हैं आप, इन्हें की बोलांगे पंजाबी वाले भी देख लो तुसी, वस्तु स्थायीता, स्थायीता वर्ड लिखांगे, स्थायीता,
वस्तु स्थायीता ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जूगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस की एज देख लो 18 महीने तो लैके 24 महीने, यानी कि मंथस है ये 18 तो लैके 24 महीने के बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस डिवेलप हो जूगा। ठीक है, हुण देखो की करांगे, एज देख लो, एज की होगी स्टेज कि होगी सेंसरी मोटर स्टेज, इनू बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज बोलेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज से डिवेलप होगा। 18 महीने तो छोटे बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा नहीं, जे तुम क्वेश्चन आ जाए कि एक साल के बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा नहीं, दो साल का मतलब 18 महीने तो बाद डिवेलप होगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा मैं तुहाडे कोलो, यस हाँ पंजाबी रहन देना, यस तुसी एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अपने च ऑब्जेक्ट परमानेंस हैगा भाई, अपने च ऑब्जेक्ट परमानेंस हैगा, यस जवाब दो तुसी अपने विच ऑब्जेक्ट परमानेंस है या नहीं है, दसो तुसी अपने च ऑब्जेक्ट परमानेंस बारे दसना, ओके है या नहीं, यस और नो, तुहानू क्वेश्चन आ जाए कि तुहाडे च ऑब्जेक्ट परमानेंस हैगा, यस और नो, करो रिप्लाई भी, यस मोटर स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज वेरी गुड भी। इसके बाद ना आप क्वेश्चन करांगे, कल मैं हो सकता क्वेश्चन ही लवा दूँ, क्वेश्चन तो बाद आप अगे अगे चलेंगे। ठीक है, तो यस भाई गल समझ आ गई, ऑब्जेक्ट परमानेंस अपने च है या नहीं, यस हरमीत कौर अपने च ऑब्जेक्ट परमानेंस हैगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा कि देखो जो छोटा बच्चा है, हुण गल करते हैं आप ऑब्जेक्ट परमानेंस की, आ छोटा जवाक बना लें, आप जवाक बना लिया, आ छोटा जवाक है उम्र कितनी होगी, यदि उम्र बना लो तो ऑब्जेक्ट परमानेंस 1.5 साल तो पहला, यानी कि 12 महीने का बच्चा है, 12 मंथ्स का बच्चा है, 12 मंथ्स का बच्चा है, ये बच्चे की माँ है, बच्चे की बना दो मम्मी, मम्मी ने की किया देखो, मम्मी चली गई गेट तो बाहर, दरवाजे तो बाहर चली गई, कितने पड़ोसियों के घर चली गई या कि कोई चीज़ लैन चल गई, तो जवाक नूं लग्या भी मम्मी पता नहीं कितने चली गई, मम्मी ने आके एकदम किया त्या, या चा करते ना, चा करते चा करना कहें, त्या करना कहें, ऐ कर लिया जवाक उदास जहा हो जूगा, ऐ कर लिया जवाक खुश हो जूगा, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस ना होने करके होगा। या कई बार की होगा जिमें आ मार्कर है, जवाक कोई चीज़ लैन की जिद करूगा तो आप फट के ऐ सुट देंगे, तो आप कहोंगे लै वो लै गई चिड़ी लै गई पिछे लुका लो जवाक आराम ना, है ना, तो की बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट परमानेंस ना होने करके होगा। यानी कि बच्चा छोटा बच्चा जिहड़ा है वो दिमाग दे विच उही चीज़ एग्जिस्ट करती है जिहड़ी सामने हुंदी है, सामने तुसी आ चीज़ रखोगे बच्चे नूं लगेगा यह हैगी है, अखां तों हटा लिया बच्चे दे दिमाग च परमानेंट नहीं होगी, अपने दिमाग च की है सारियां चीज़ां परमानेंट हैगियां, आपां किहड़ी चीज़ कित्थे रखी है कौन कित्थे गया है वो सारा आपां नूं पता है, तो आप की कह सकते हैं अपने दिमाग से सारे चीज़ ऑब्जेक्ट पर, तुसी इत्थे बैठे बैठे मान लो तुसी मैनू देख रहे हो इत्थे बैठे बैठे, हाँ काटो लै गई, इत्थे बैठे बैठे आप की देख सकते हैं, इत्थे बैठे बैठे बाहर किहड़ी चीज़ रखी हुई है, अपनी कार कित्थे खड़ी है, गड्डी स्कूटी कित्थे खड़ी है, अपनी किताबां कित्थे रखियां हुई, आप सब्जी बना के कित्थे रखी है, बना ली रोटी राटी, हाँ भाई, तो आप जिहड़ी जिहड़ी चीज़ जिथे जिथे रखी हुई है वो सारी अपने दिमाग च परमानेंट है, अखां तो ओझल हो जाए तो आपां नूं ये नहीं होगा भी वो कितने एग्जिस्ट उहदा अस्तित्व समाप्त हो गया। समझ आ गई गल, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की होगा, मम्मी बाहर चल गई जवाक नूं पता लगेगा कि मम्मी पता नहीं कितने गई, मम्मी नूं देख के जवाक रोऊगा, देखिया होना तुसीं 12 महीने का जवाक माँ नूं देख के रोंदा, माँ बाहर चल गई तो जवाक रोना बंद कर दिंदा। समझ आ गई गल ऑब्जेक्ट परमानेंस, यस नो, मीनाक्षी सिंगला ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली गल समझ आ गई, एज की होगी, एज हो जूगी 18 महीने तो बाद डिवेलप होगा, अपने दिमाग च ऑब्जेक्ट परमानेंस हैगा, 18 महीने तो छोटे बच्चे दिमाग च ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होगा। यस मीनाक्षी सिंगला समझ नहीं आया, गल समझ आ गई भी, यस और नो, खा भी ली रोटी, वाह भी वह क्या बात है, चलो नेक्स्ट आ जूगा, नेक्स्ट पॉइंट आ जूगा अपना, एक वर्ड लिख लो सी एनीमिज्म, एनीमिज्म एनीमिज्म की गल करांगे, एनीमिज्म की होगा, एनीमिज्म की पहले तो एज लिख लो 2 साल तो लैके तो 4 साल तक, 4 ईयर्स, एनीमिज्म च होगा कि एनीमिज्म च होगा कि जिहड़ा छोटा बच्चा है ना 2 साल तो लैके 4 साल तक, इहनू ना पता की है लिविंग ते नॉन लिविंग का पता नहीं होगा, यानी कि बच्चा की कहूगा जिंदा लिविंग ते नॉन लिविंग चीज़ों के विचकार डिफरेंस नहीं कर सकता बच्चा, बच्चे नूं लगता है कि सारिया चीज़ा मेरी तरह जिंदा है, जिमें देखे होना छोटा जवाक भजदा भजदा डिग पैंदा चोट लगी जोर की रोई जा रहा है, तो बच्चे आप चुप कराने वास्ते की कहोंगे, ऐ कीड़ी मारा थले मारा ऐ थापड़ा मार देंगे, तो जवाक कहूगा लै
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਲੈ ਤੂੰ ਕੀੜੀ ਮਾਰਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ। ਜਵਾਕ ਦਾ ਸਿਰ ਭਿੜ ਗਿਆ ਮੇਜ਼ ਨਾਲ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਜਵਾਕ 'ਚੋਂ, ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਜਵਾਕ ਆਪਣੇ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਕ ਆਪਣੇ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ। ਕਲਾਸ ਯੈਸ ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ, ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਬਈ। ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੋਜੂਗੀ? ਸਟੇਜ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਬਸ ਸੁਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਪਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੋਜੂਗੀ, ਪਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਹੈ? ਕਲਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਦੋ ਚਾਰ ਟੋਪਿਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ SST ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। SST ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਲੰਬੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਣ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SST ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਲਬ ਬਲਬ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬਲਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਲਬ ਔਨ ਕਰਤਾ, ਬਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਬੱਦਲ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣਨਗੇ? ਪੇੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਿੱਲ ਰਹੇ, ਜਵਾਕ ਕਹੂਗਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੇੜ ਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਪੇੜ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਕਹੂਗਾ ਪੇੜ ਗੀ ਹਵਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ, ਕਹੂਗਾ ਪੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹੂਗਾ ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਈ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ। ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਬਈ। ਚੰਦ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨਦੀਪ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਨ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ। ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਏਜ ਜਮਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੇਜ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੱਚਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਦਲ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਯੈਸ ਇਹ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਹੋਜੂਗਾ। ਬੱਚਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਯੈਸ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਰਜਤ ਗਰਗ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਿਪੀਟ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਹੋਜੂਗਾ, ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਊਗੀ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ? ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹੂਗਾ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਢਾ ਕਰਤਾ ਐਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਸਾਰੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ? ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ। ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਜੂਗਾ ਇਨਸਾਈਡ, ਇਨਸਾਈਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਨਸਾਈਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਸੋਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਬਈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਈਗੋਸੈਂਟ੍ਰਿਕ
ਤੇ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਈਗੋ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਬਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਲਿਵਿੰਗ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹ ਹੋਜੂਗਾ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵਰਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਏਜ ਹੋਜੂਗੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲੋ 7 ਈਅਰ। ਇਹ ਏਜ ਹੋਜੂਗੀ ਬਿਲੋ 7 ਈਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਬਿਲੋ 7 ਈਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਏਜ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਜੂਗੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਕ ਨਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਵਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੇਟ ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ। ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਜੂਗਾ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਆ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਟਾਲ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੀ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਓਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਕੌੜਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਇਹ ਹੋਜੂਗਾ ਡੀਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜੀ, ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ 7 ਈਅਰ, ਆਫਟਰ 7 ਈਅਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਡੀਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਜੂਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡੀਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਯੈਸ ਬਈ, ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹਾਂ ਯੈਸ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਯੈਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ, ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ, ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਊਗਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ, ਆਫਟਰ 7 ਈਅਰ, ਆਫਟਰ 7 ਈਅਰਸ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਰੀਆ ਬਦਲੋਗੇ ਬੱਚਾ ਪਹਿਚਾਣ ਜੂਗਾ, ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਚਾਣ ਜੂਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 5 ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਕਾ ਦਿਓ, ਜਵਾਕ ਕੀ ਲਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਕਾ ਲਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਏਰੀਆ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਇਤਨ, ਜੇ ਆਇਤਨ ਬਦਲਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੈਨਸਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਡੈਨਸਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਈ, ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਚਿੰਟੂ ਹੈ, ਚਿੰਟੂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚਿੰਟੂ ਦੀ ਏਜ 3 ਸਾਲ ਹੈ, 3 ਈਅਰ ਦਾ ਚਿੰਟੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਬਬਲੀ, ਬਬਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ
11 साल 11 ईयर 11 ईयर्स। मम्मी ने की किया दोनों जवाकों को जूस पा के दिता, ये जवाक को जूस देता इन्ने गिलास च इन्ना इन्ना वड्डा बराबर का गिलास देता, हुण बबली भी इन्ना ही गिलास देता, दोनों जवाकों को बराबर का गिलास देता। हुण इन्ने की करना है, चिंटू चिंटू रो लिट जूगा, देखो ना तुसीं चिंटू चिंटू की करूगा, चिंटू ने देखते भी इन्हू बराबर देता, चिंटू को मैं ज़्यादा लूँगा जूस की थान, जो कोल्ड ड्रिंक हो तो कहना मैं तो सारी लूँगा। तो मम्मी ने की किया चिंटू नू, चिंटू वाला जो जूस है वह पतले जी गिलास से पाता, पतले जी गिलास से पाता तो ज़्यादा लैवल चल जूगा। यही यही जूस सेम जूस जूस नहीं बदलिया, जूस उही सीगा पतले गिलास से पाता, पतले गिलास से पाते जिहड़ा है चिंटू ने खुश हो जूगा, वो अब बबली नू कहूगा भी देख मेरे को ज़्यादा, ये ज़्यादा नहीं सीगा एक्चुअल चीज़ की किया वॉल्यूम चेंज करता, वॉल्यूम च बदलाव हो रहा है तो बच्चा रिकोगनाइज नहीं कर रहा, सिर्फ साइज नू देख के बच्चा चीज़ नू रिकोगनाइज कर रहा है। ठीक है, तो यह की होजूगा इन्हू बोलेंगे सेंट्रेशन, 7 साल तो बाद डिवेलप होगा सेंट्रेशन। सेंट्रेशन की एज लिख लो कॉन्क्रीट स्टेज से जड़ा है, कॉन्क्रीट स्टेज बोलेंगे, कॉन्क्रीट स्टेज से बच्चे से सेंट्रेशन डिवेलप होगा, सेंट्रेशन सॉरी कंजर्वेशन। ठीक है भाई, यस समझ आ गई गल कंजर्वेशन वाली गल, यस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जूगी। सर तुसी मोरगन 6 जी क्लास का टाइम देखो, कल क्लास का टाइम ना कल शड्यूल करांगे, एक्चुअल अज तो ये मतलब ट्रायल क्लास ही है, क्लास का सारा शड्यूल तुम्हें मैं पा दूंगा, टेंशन फ्री रहो तुसी। ठीक है, अज आप इन्ना ही पढ़ांगे, कल ये क्वेश्चन भी पढ़ांगे, कल मैं कंप्लीट करवा दूंगा, कल क्वेश्चन भी, कल लंबी क्लास होगी, क्लास स्टार्ट होगी तो फिर 11 बजे जाके क्लास खत्म होगी। डेटा डूटा पवा लियो, ठीक है सारे जने डेटा पवा लियो, डेटा तुसी 20 दिन वास्ते देखो, तुहानू पता ही अपना भी क्लास सारी मतलब पूरे इंपोर्टेंट टॉपिक नूं आपां डिटेल नाल ते एक बार नहीं पढ़ना रजे, एक बार 5-5 वारी पढ़ांगे आपां, नाले MCQs भी कर लांगे। डेटा पवा लियो अज तो ही, कल तो डेटा पवा लियो वधिया, सवेर तो कल यानी कि कल तो सवेरे क्लास नहीं लगेगी, परसों सवेरे क्लास लगेगी, हजे देखते हैं इहदा सिस्टम की है, मैं सिस्टम थोड़ा जिहा समझ नहीं आया। फिर अपना क्लास देखो SST स्टार्ट करांगे, SST EVS की भी क्लास लगेगी, SST की भी क्लास लगेगी, होर किड़े-किड़े जिहड़े फिजिकल एजुकेशन वाले देख लो, इन्हों का सारा आप देख लें, फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे हो गए, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले बच्चे हो गए, इन्हों का भी आप, म्यूजिक वाले बच्चे हो गए, इन्हों का भी आप देखते हैं कि इन्हों का भी कोई सोल्यूशन कढ़ांगे। तो बाकी क्लासा जिहड़ियां है कंटिन्यू रहणगियां, डेली 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे भी डेली क्लास हो सकती है। तुसीं सिर्फ क्लास लानी है, सिर्फ क्लास देखो बार बार, मतलब वो क्लास में दोबारा फिर मैं टॉपिक करवाऊँगा, बार बार चीज़ों आप देखांगे, तुसीं देख पा रहे हो तो जिहड़ी चीज़ लिखी हुई तुहाडे दिमाग से फीड हो जूगी, पेपर से चीज़ा एवें दी एवें रिफलैक्ट करनगियां। क्वेश्चन आप करांगे विचाले सिर्फ 2 दिन क्वेश्चन करांगे, उस तो बाद फिर थ्योरी, समझ आ गई गल, यस भाई। तो नाले वीडियो नू लाइक एंड शेयर कर दो, तो चैनल नू सबसक्राइब कर दो सारे जने जिहड़े आए हो। ठीक है भाई, तो आप मिलते हैं कल, मिलेंगे कल नहीं इस तो बाद देखते हैं, जो क्लास होर शेड्यूल करवाऊँगा मैं देखदा एक बार, जो होर लगी तो फिर होने देख लेंगे, नहीं तो वह कल मिलते हैं। ठीक है, ओके रजे, कल होर बच्चों भी तुसी मैसेज पा दो, ओके रजे, ठीक है, थैंक यू भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद तुहाडा, ओके रजे।